तो नमस्ते सस्त्रियल बहनों भाइयों, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो इस वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं पहली बार ट्रेन सिम वर्ल्ड 3। तो ये गेम बेसिकली पूरी ट्रेन लाइफ रियल लाइफ सिम्युलेटर पे करती है रिलाई। जैसे कि अब हमें अलग अलग ट्रेन चलाने को मिलेगी और हम उसको पूरा स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मीन्स उसका इंजन कैसे स्टार्ट करना है और फिर उसको कहाँ पे रोकना है, कैसे करना है, वो सब कुछ होगा इसमें। तो आज मैंने हाई स्पीड रेलवे चूज़ करी है, तो देखते कि हमारा आज का मिशन कैसा जाता है। तो पहले तो मैं अंदर चलता हूँ ट्रेन के, और मुझे सारे सिस्टम विस्टम सारे समझने पड़ेंगे कि कैसे ऑन करने, क्योंकि इतने सारे बटन है, कोई गलत बटन तो ऑन नहीं कर सकते। तो ठीक है, पहले चेक पॉइंट क्लियर करते हैं, डोर बंद करते हैं और अपनी सीट पे बैठते हैं। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग गेम प्ले होगा, क्योंकि ये गेम मेरे लिए भी बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा रियल लाइफ सिम्युलेटर का। नहीं तो मैंने ऐसी गेम कभी क्योंकि कभी खेली नहीं। तो इन्होंने भी हमें बोला न्यूट्रल पे कर दो, तो हमने न्यूट्रल पे कर दिया। और कंट्रोल वाले बटन को 2 मिनट के लिए प्रेस करो, तो वैसे तो ये मुझे हर कंट्रोल बता रहे हैं, ये इधर है, इधर है, इधर है। तो हमने ये वाला भी कर चुके हैं, सेटअप ट्रेन वाला भी कर चुके हैं। अब रिवर्सर को फॉरवर्ड पे करना ताकि ट्रेन आगे चल पाए। तो अब पैसेंजर्स को लोड करना था। आई थिंक सो ये वाला गेट तो खुलेगा नहीं, ये वाला गेट खुलेगा। तो हम ये वाला गेट पहले खोल लेते हैं। तो खुल रही है, आपको लग रहा होगा, आवाज़ आ रही होगी। तो अभी ऊपर आपको दिख रहा है लोड पैसेंजर्स। तो हमें किसी भी हालत में मीन्स जल्दी से जल्दी यहाँ से ट्रेन को निकालना है और दूसरे स्टेशन तक पहुँचाना है, मीन्स टाइम पे हमें पहुँचाना है एक तरह से। तो देखते कि हम टाइम पे कर पाते हैं नहीं कर पाते, वो तो बाद का बाद में पता चलेगा। तो अभी मैं सारी हेडलाइट्स वेडलाइट्स और कैबिन लाइट्स ऑन कर लेता हूँ, तो क्योंकि टनल्स भी आने वाली हैं आगे बहुत, तो इसलिए वो टनल से बचने के लिए, ताकि टनल में बिल्कुल जैसे अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए फिर हम ये वाला कर रहे हैं ताकि सही से हो जाए। तो अभी गेट तो खुले हुए हैं, तो अभी लोड पैसेंजर्स ही हो रहे हैं। जब पता नहीं अब कब तक होंगे और लोड, जब तक पूरे लोड नहीं होंगे तब तक तो हम उनको कर नहीं सकते, ट्रेन स्टार्ट कर ही नहीं सकते। तो पहले हो जाए फिर हम करते हैं। तो जैसे ही हो जाएगा, मुझे बस ये ब्लू वाला बटन दबाना है जिससे डोर क्लोज हो जाएंगे और फिर हम रिवर्सर को आगे कर सकते हैं और ट्रेन चला सकते हैं। तो देखते हैं कब तक होगा। ओके, तो लोड हो चुके हैं। मैं पहले इसको 0 पे सेट कर दूँ, ऑफ पे। अब डोर क्लोज करते हैं सारे। ओके, तो डोर क्लोज हो रहे हैं। अभी जब डोर क्लोज देंगे फिर हमें सेट करके आगे बढ़ना है। ओके, तो अब हम रिवर्सर को भी आगे कर चुके हैं, पर अभी हो नहीं रही। हाँ, हो गई। तो अब हमें पता नहीं कौन से इंटरनेशनल स्टेशन पर पहुंचना है, एरेक्स फ्लीट करके कोई है। हमें 5:33 तक पहुंचना है, तो अभी 5:18 हो रहे हैं। तो हमें देखते हैं हम कितनी देर में पहुंच पाते हैं, हम टाइम पर पहुंच पाते हैं नहीं पाते हैं, क्योंकि ट्रेन को हमें बिल्कुल टाइम और प्रिसाइज पे पहुंचाना है। वैसे तो मुझे पता है जहाँ पे हम रहते हैं जैसे इंडियन में रेलवे, वो टाइम पे कभी होती नहीं ज़्यादातर ट्रेन्स पर। हाँ ठीक है, ये बाहर की ट्रेन है तो हमें टाइम पर पहुँचानी होगी, क्योंकि नहीं तो हमारे फिर पॉइंट्स वॉइंट्स कटते हैं, तो वो थोड़ा सा वो होता है। पर ये जिस हमें ये जो मार्कर है नीचे जो 89-90 जिस पे स्पीड लिखी आ रही है, वो भी हमें देखना है, क्योंकि जैसे इस पे भी रेड आ रहा है तो रेड का मतलब ये डीरेल हो सकती है ट्रेन, तो हमें स्पीड कम रखनी है। पर जब ये वाइट हो जाएगा तो मीन्स हम और स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि डीरेल अगर हो गई ट्रेन तो फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा सारा। और जो अभी हमारा वो है यानी कि जो हमारा स्टेशन है वो भी बहुत दूर है, अभी आप देख सकते हो 20 माइल्स दूर है, ऑलमोस्ट 20 माइल्स। तो ठीक है, देखते हैं हम वो कितनी देर में कर पाते हैं। तो मैं बीच में तो थोड़ा सा ये काट भी दूंगा, क्योंकि नहीं तो फिर पूरी ट्रेन जैसे चलती है तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो इसलिए वो मैं बीच बीच में रास्ते काट दूंगा। पर मैं इसके बहुत अच्छे सिनेमेटिक शॉट्स दिखाऊंगा, अगर टनल जब ख़त्म हो जाएगी तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा सिनेमेटिक शॉट्स। और मुझे ना एक बार चेक भी करना है कि कितने पैसेंजर्स आए हैं असलियत में, मुझे लग नहीं रहा कोई आया भी है। ये अगर आए हैं तो वो फिर या तो लास्ट लास्ट के डिब्बे में बैठे होंगे, और ये पता नहीं क्या चीज़ है, खुल नहीं रही। चलते हैं पीछे। ओके, तो यार बड़े वैसे अच्छी मीन्स इन्होंने बहुत अच्छा काम करा हुआ है इस गेम में, ट्रेन रियल सिम्युलेटर में, ट्रेन सिम में मीन्स बहुत अच्छा काम करा हुआ है। मीन्स मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतना अच्छा, पर इन्होंने उस हिसाब से बहुत अच्छा करा, जैसे हम कहीं पर भी बैठ सकते हैं और हर चीज़ ऑन ऑफ कर सकते हैं हम मीन्स एक ट्रेन में। ओके, तो ये गेट खुल सकता है ऐसे? अबे मैंने अंदर से तो लॉक कर दिए थे। बंद कर दे तो भाई मैं ना गिर जाऊँ कहीं, पर चले ट्रेन तो आगे चली जाए, मैं ना गिर के यहीं पे बैठा रह जाऊँ, फिर जब तक दूसरी ट्रेन ना आए मैं चढ़ ही ना पाऊँ।
और वो भी उसमें भी कैसे ही चढ़ूंगा, उसमें वो होगा ही नहीं क्योंकि ऑप्शन वो तो चलती हुई ट्रेन होगी, तो क्लोज डोर मैंने कर दिया, प्रेस करके मैंने रख दिया। ये वाला डोर भी खुलता है क्या? हाँ ये भी खुल रहा है, लॉक्ड थे मैंने, ये कैसे खुल कैसे रहे हैं? ओके तो इससे मैं गिर चुका था क्योंकि ये बिल्कुल खींच रही है मुझे अपनी तरफ। ओके तो लॉक्ड हो गया, मैं अंदर ही चलता हूँ, छोड़ो इन चीज़ों को अभी, इस घर इस वाले को अभी लॉक करते हैं, अब अंदर चलते हैं सीधा और देखते हैं कोई वार्निंग आ रही है ट्रेन में, पता नहीं क्या आ रही है। अच्छा वो स्पीड लिमिट का आ रही थी, पर ठीक है स्पीड हमारी क्योंकि अभी हम 300 तक आराम से लेके जा सकते हैं स्पीड को, तो ठीक है वो भी ओके ओके। तो यहाँ पे ये बहुत सारे सिस्टम है, जैसे कि ये इमरजेंसी ब्रेक का है, फिर ये कॉन्टैक्ट सिग्नल है, जैसे कि अब अगर हमें ट्रेन बीच में कभी ख़राब हो जाए तो हमें किसी को कॉन्टैक्ट करके बुलाना हो तो हम बुला सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि क्या ख़राबी है ये। अगर कोई सीरियस ख़राबी होती है तो कोई दूसरी पीछे से आगे से या पीछे से ट्रेन आती है, वो हमें आगे इस टनल से बाहर लगा के फिर इमरजेंसी लेन में शिफ्ट कर देंगे, तो वो अच्छी चीज़ है। एक मीन्स इन्होंने बहुत डिटेल में काम करा हुआ है। तो मैंने दोनों लॉक्ड तो करे हुए थे, ये फिर से खुले क्यों हुए हैं? मैंने फिर से एक बार प्रेस करते हैं, मैं एक बार चेक कर रहा था, लॉक्ड है ना दोनों, पर चल लॉक्ड ही ना हो। अच्छा ये भी लॉक्ड है और वो भी लॉक्ड है, ठीक है ओके। तो टनल से बाहर निकल रही है हमारी ट्रेन, तो जल्दी से अंदर बैठते हैं और देखते हैं कि कैसी नज़ारे हैं। मैं आपको थोड़ा सिनेमेटिक शॉट्स दिखाता हूं। तो ये थोड़े से मीन्स यहां पे वैसे अच्छे तो नहीं लगेंगे तो क्योंकि ऊपर टनल वनल ये है हर जगह और आगे भी अब टनल आ ही गई है देखो, तो इसलिए मैं स्विच कर लेता हूँ बैक वापस। तो मैं एक बार ना ट्राई करना चाहता हूँ कि जो ट्रेन है अगर हम बीच रास्ते में एकदम से रोक दें तो क्या होगा, जैसे मास्टर की ऑफ कर दिया, एकदम से इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर दिया, जो भी, तो वो मैं देखना चाहता हूँ। एक बार मैं शायद ट्राई करूँ इस गेम में अभी इसी वाली उसमें, तो मैं अभी सारे सिस्टम समझ रहा हूँ एक है क्या क्या और कौन सा डिमर है कौन सा नहीं है, पता नहीं मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि एक तो इतने सारे सिस्टम है सब, बंदा समझता कैसे, इतना याद कैसे लग रहा था वो बंदा। तो एक बार मास्टर की ऑफ करके देखूँ क्या, ये छोड़ो मुझे ना वो लग रहा है कि फिर अगर स्टार्ट नहीं ना सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, ये मास्टर की ऑफ ही नहीं हो रही। अच्छा या तो ये अभी फुल एक्सेलेरेटर में ना इसलिए नहीं हो रही और ये फॉरवर्ड भी नहीं हो रहा, पहले मुझे इसको शायद जीरो पे ऑफ पे करता हूँ। हाँ तो ऑफ पे हो गया, अब इसको मास्टर की ऑफ करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। और ये न्यूट्रल पे रन करती है और शिट्स अलार्म बजने लग गया कोई ट्रेन में, पता नहीं क्या फॉरवर्ड मैंने करा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा तो स्पीड कम हो रही है, बढ़ भी नहीं रही अब तो स्पीड, यार ऐसा मत करो, बढ़ जा, अरे स्पीड ही नहीं बढ़ रही है। तो 2 मिनट इसको फिर से प्रेस करके रखता हूँ 2 सेकेंड के लिए मीन्स, अब उसको प्रेस करता हूँ वापस। ओके एक और बारी, हाँ अब देखता हूँ हो रही है, अबे स्पीड नहीं बढ़ रही, क्या प्रॉब्लम आ गई यार? ऐसे मत बोलो कि अभी फिर सारी फॉरवर्ड पे भी है, वो भी पावर मीन्स वो पूरी फुर पे है, 149 धीरे धीरे गिरती जा रही है, स्पीड बढ़ ही नहीं रही। ओके एक मिनट इसको ऑफ करता हूँ पहले तो, ठीक है अब एक मिनट इसको पहले पूरी ब्रेक लगाता हूँ, मैं इमरजेंसी ब्रेक लगा के पूरी स्टार्ट करता हूँ। अलार्म बज रहा है मुझे पता है, वो थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है पर सॉरी उसके लिए। तो मैं एक बार पूरी स्टॉप करता हूँ ट्रेन और फिर देखता हूँ कि क्या परेशानी आई है इसमें, मैं फिर से पूरी रीस्टार्ट कर दूंगा, वो तो ट्रेन कुछ नहीं होता, मुझे पता है कैसे रीस्टार्ट करनी है। तो ब्रेक मैंने फुल लगा दी थी और इमरजेंसी ब्रेक लगी हुई अभी भी, तो देखते हैं कि कब तक स्टॉप होती है ट्रेन। और अभी मैंने दूसरी इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाई, अभी जो नॉर्मल इमरजेंसी ब्रेक होती है ये वो है, अगर मैं हाई इंटेंसिटी वाली वो जो बटन्स लगे हुए हैं अगर उसको दबाऊं तो वो 1 सेकंड में रुक जाएगी, पर उससे ये होगा कि वो डीरेल हो सकती है ट्रेन, ठीक है। तो 1 मिनट पहले इसको ऑफ करते हैं और अब इसको ऑन करा, अब इसको न्यूट्रल पे मैं पहले करता हूँ, हाँ हो गया, अब इसको प्रेस करके रखते हैं देखते हैं कब तक होता है। हो गया अलार्म तो ऑफ हो गया आई थिंक सो, अब चल जाएगी। अब इसको 2 बारी प्रेस करके बस अब स्टार्ट कर, हाँ चल गई ना ट्रेन, चलो शुक्र है भाई साहब चल गई, अगर मेहनत अभी सारी नहीं तो ख़राब हो जाती। लोग भी जो बैठे होंगे अगर वो समझ रहे होंगे कर क्या रहा है ये ड्राइवर, कभी रोक रहा है कभी कुछ कर रहा है, अब मैंने फिर से रोक रहा हूँ मैं, पता नहीं यार मैं क्या, मुझे वो मची हुई अंदर से एक चुल होती है ना अंदर से कि किसी तरह मीन्स हर बटन को दबाते रहो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, तो वो मची हुई है मुझे अंदर से और कुछ नहीं है। ये बटन पता नहीं, ये तो पता नहीं क्या है, इससे क्या हुआ,
कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं भाई। अरे यार स्पीड कम हो गई यार, ये तो फिर से, ये देख स्पीड ही नहीं बढ़ रही अब तो, फिर से इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ेगी, फिर से रीस्टार्ट करनी पड़ेगी पूरी ट्रेन। अरे यार क्यों दबाया मैंने बटन, रुक जा रुक जा रुक जा। ओके तो रुक तो गई है ट्रेन। हाँ बस अब इसको कंट्रोल करके प्रेस करके 2 मिनट रखता हूँ। चल भाई बंद हो जा। हाँ हो गई बंद। अब न्यूट्रल पे मैंने करके फिर से एक बारी करता हूँ ताकि वो फिर से बंद, बस बंद हो जा। नहीं हो रही, फॉरवर्ड पे करता हूँ, रुक जा। फॉर ऑफ, अब फॉरवर्ड पे करता हूँ सीधा। तो ये अभी फिर से दूसरा अलार्म भी बंद स्टार्ट हो गया, तो मैंने फिर से रिस्टार्ट कर दिया, हो चुकी है अब ट्रेन स्टार्ट। तो अब सही है, अब इसकी पावर थोड़ी सी बढ़ाते हैं और इसको फॉरवर्ड पे कर देते हैं। मैंने ऑफ क्यों कर दिया? हाँ चलो, अरे यार मैंने क्यों ऑफ करा, मैं भी तो, चलो हाँ चलो अब चल गए। अरे यार ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा, मुझे ट्रेन टाइम पर 33 पे पहुँचानी थी, 26 हो चुके हैं और मैं अपना यहीं पर बैठा हुआ हूँ अभी तक। तो अब तो चल जा, क्या हो गया अब फॉरवर्ड पे भी अब तो चल ही नहीं रही। अरे 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 ऐसे मत करो यार। ओके तो इसको 2 मिनट प्रेस करके रखता हूँ, अब चलाता हूँ। 2 मिनट और, हाँ चलो अब स्पीड एकदम से आ गई, वो अच्छी तरह प्रेस नहीं हुआ था तो ठीक है। अब मैं कोई छिड़कानी नहीं करने वाला, अब बस ट्रेन जैसे चल रही है चलने दो उसको, और आराम आराम से वो बस पहुंच जाए। अभी 12 माइल दूर है और हमें कुछ 6 मिनट में जल्दी से जल्दी ट्रेन को पहुंचाना है, 6 भी नहीं ऑलमोस्ट 5 मिनट में ही बस पहुंचाना है जल्दी से जल्दी किसी भी तरह। तो ठीक है कोशिश करते हैं पूरी की पूरी कि हम 5 मिनट में पहुंचा दें ट्रेन को, और ये पीछे वाला डोर बंद कर देता हूँ ठीक है। तो 5 मिनट भाई साहब, आपको क्या लगता है कि मैं कर पहुँचा पाऊँगा या नहीं पहुँचाऊँगा? अगर आपको पता है लगता है कि तो लाइक कर देना, नहीं लगता तो कमेंट कर देना कि नहीं पहुँचा पाएगा। तो देखते कि वो कैसा हो सकता है कि पहुँचा पाऊँगा या नहीं पहुँचा पाऊँगा। और अगर अभी तक आप देख रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग तो लगी रही होगी, तो प्लीज़ लाइक करी दो, चाहे अच्छी लग रही मीन्स चाहे आपको लग रहा हो कि मैं पहुँच जाऊँगा टाइम पे या नहीं पहुँच जाऊँगा, पर लाइक तो करी दो यार अगर अभी तक देख रहे हो तो। तो ठीक है अभी तो हम सीधा चल ही रहे हैं टनल से बाइक पर ही। मैं कोशिश करता हूँ कि टनल से जल्दी जल्दी बाहर निकलूँ और फिर आपको वो सिनेमेटिक शॉट दिखाऊँ, तो वो देखते हैं कि कब तक पॉसिबल होता है, कितनी लंबी टनल है ये भी नहीं पता। एक तो अगर ये पता हो तो फिर तो चल समझ आ जाए कि चल इतनी देर के बाद हम मैं स्किप करना है, तो वो मैं देख लूँगा एडिटिंग में या तो या इसमें ही देख लेता हूँ कि अगर ऐसी होता है तो। वो टनल खुल तो रही है सामने आई थिंक सो, क्या ये मेरा वाइट डॉट तो नहीं है? देखो टनल खुल रही है सामने, तो वहीं तक जल्दी जल्दी टनल से बाहर निकलते हैं और मैं आपको एक बार सिनेमेटिक शॉट्स दिखा के फिर मैं सीधा आपसे बाद में मिलूँगा, जब हम बिल्कुल स्टेशन के आसपास होंगे बिल्कुल पास, तब मैं आपसे सीधा मिलूँगा। तो तब तक के लिए आप वेट कर लेना, अभी बस ये टनल से बाहर निकल रहे हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ सिनेमेटिक शॉट्स, अगर अच्छा हुआ तो तभी दिखाऊँगा, नहीं तो नहीं दिखाऊँगा ठीक है ना। ऐसे इतना अच्छा लग तो नहीं रहा, हाँ ठीक है वैसे, हाँ सही है। तो आप ये देखो, अब देखो ये ना वैसे इसके लिए थंबनेल के लिए बहुत ही बढ़िया मीन्स इन्होंने ये चीज़ दी है कि अगर किसी को थंबनेल लगाना हो तो वो ऐसे लगा सकता है माय हाई स्पीड रेलवे या ऐसे कुछ भी लगा सकता है। तो अभी तो यही है, तो अब मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ जब मैं बिल्कुल स्टेशन के पास पहुँच जाऊँगा। तो ओके गाइस, तो हम बिल्कुल ट्रेन के मीन्स ट्रेन के स्टेशन के पास पहुँच चुके हैं, सिर्फ 3 माइल्स दूर है जो कि थोड़ा सा ही 1 मिनट में पहुंच जाएंगे हम आई थिंक सो, क्योंकि हाई स्पीड रेलवे भी 228 की स्पीड से चल रही है और क्या चाहते हो भाई साहब, 230 भी हो गई। अब मुझे ये डर है डीरेल ना हो जाए क्योंकि ये येलो येलो हो गई और रेड भी हो गई अब जल्दी। तो अब मैं इसकी स्पीड एक तो जीरो कर देता हूँ बिल्कुल मीन्स इसकी पावर जो है वो जीरो कर देता हूँ, और फिर अभी थोड़ी देर में मैं जब 1 माइल रह जाएगी तब मैं इसकी ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट करूँगा। ऐसे तो 1 माइल पर नहीं, मैं 2 अभी पूरी हो जाए मैं तभी थोड़ी थोड़ी ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि वो नहीं तो फिर रुकेगी नहीं ट्रेन स्टेशन पर, हमें आगे जाना पड़ेगा जिससे मिशन भी फेल हो सकता है। और वैसे ही टाइम मुझे लग नहीं रहा पहुँचेगी क्योंकि 33 तो आप ऊपर टाइम दे ही सकते हो, 32
5-6 हो चुके हैं, 32-8 हो चुके हैं, तो वो मुझे लग नहीं रहा होगा। तो मैंने ब्रेक थोड़ी सी अभी अप्लाई करी है थोड़ी पावर पे, अब मैं थोड़ी और पावर अप्लाई धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि वो रुक जाए। 23 मैंने 24 पावर अप्लाई कर दी अभी, तो अब मैं थोड़ी सी और तेज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अब सामने टनल भी दिख रही है, खुल रही है, और सिर्फ 1 माइल दूर रह गई है, सिर्फ 900 यार्ड्स आई थिंक सो दूर रह गई है। तो जल्दी से जल्दी इसको रोकते हैं और कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन पर रुकें, ज़्यादा आगे ना जाएँ, ज़्यादा पीछे ना जाएँ। तो वो देखते हैं कैसे रुकेगा। तो अब मैं इसकी स्पीड मैंने कम कर दी है, इतनी तो कम कर दी है कि अब यार आराम से अगर जाएगी भी तो आराम से बिल्कुल रुकेगी, कोई वो नहीं है कि वो रुक जाएगी। तो अब मैं इसकी ब्रेक भी ज़ीरो कर देता हूँ और पावर भी ज़ीरो कर देता हूँ। अभी जो चल रही है ये अपने जो स्पीड थी पहले से उस पर चल रही है, अब आगे पीछे कुछ नहीं चल रही। तो देखते हैं ये कितनी देर में होता है हमारा। अगर काश, वैसे तो 1-2 मिनट लेट ही होगी ट्रेन क्योंकि 33 तो हो चुका है, 34 भी हो चुके हैं आई थिंक सो, हाँ हो चुके हैं 34, तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, सॉरी उसके लिए। वो तो वैसे मैं क्या ही कर सकते हैं, अब मैंने वो बेवकूफ़ी कर दी, मैं मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और 70 की स्पीड पे आ गई है स्टेशन पे ट्रेन और मैंने 6th गियर पे अप्लाई करी है ब्रेक, तो देखते हैं कब तक रुकती है। मैंने 10 पे भी कर दिया, अब तो रुक जा भाई, ये मार्कर पे हमें रोकनी है किसी भी तरह, तो ये रुक जाएगी। अब मैं उसको ब्रेक को जीरो कर देता हूँ बिल्कुल, तो क्योंकि मुझे पता अभी तो अब तो रुक ही जाएगी, अगर अब भी नहीं रुकी तो फिर मैं अब क्या ही कर सकता हूँ। तो ये हो चुके, 14 की स्पीड पर आ गई, अब क्या ही चाहोगे। तो मैं दरवाजे मैंने अभी खोल दिए, पता नहीं क्यों मैंने ऐसे ही खोल दिए चलती हुई ट्रेन में। अब लोग उतरो भाई, जैसे उतरना। चलो जी, रुक गई ट्रेन हमारी फाइनली, तो चलो रुक जा। हाँ बस 3 की उस पर मैंने रोक दी है, ओके। तो अब हमें आगे जाने के लिए थोड़ा सा पावर मोड चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो तो बिल्कुल स्ट्रेट था, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, तो यहाँ पे थोड़ी सी धीरे स्पीड चलानी पड़ेगी, इसलिए हमें DC वाले उस पर स्विच करना पड़ेगा जो थोड़ी सी कम पावर देता है, जिससे कम पावर पे ट्रेन जाएगी हमारी। तो वो हमने स्विच कर दिया है, अब पैसेंजर्स तो लोड हो रहे हैं, तो हम भी एक बार थोड़ा सा बाहर चल के देखते हैं कि हमारी ट्रेन का नज़ारा और सब कुछ। तो वैसे भाई साहब ट्रेन तो यार हमें जो भी बोलो बढ़िया मिली है, हाई स्पीड रेलवे देखो भाई साहब क्या लग रही है और क्या डिटेलिंग में इन्होंने सबने काम करा है। तो ओके, टाइम हो चुका है ट्रेन का, तो मैं निकलता हूँ जल्दी से जल्दी, और लोड पे लॉक हो गए हैं, मीन्स लोड हो गए हैं पैसेंजर, और लॉक करते हैं हम डोर, अब धीरे धीरे आगे करते हैं। मैंने दोनों डोर एक बार प्रेस कर दिया ताकि वो लॉक हो जाए अच्छी तरह, और हो चुके हैं। तो अब सेट द रिवर्सर टू फॉरवर्ड करते हैं फिर से, और अब हम बढ़ते हैं आगे, ओके। तो पावर हमने कर दिया है और अब हमें 7:36 तक पहुंचना, 35 तो हो गए भाई, यार ऐसे तो ना करते यार, अगर 33 के हिसाब से तो मीन सही इन्होंने करा है। ज़्यादा दूर भी नहीं है स्टेशन क्योंकि 1.6 माइल दूर ही है, ज़्यादा दूर है नहीं, तो उस हिसाब से तो उन्होंने सही टाइम करा है। पर मेरे तो भाई साहब लेट पहुंचे, तो थोड़ा टाइम भी तो उसका लेट बताओ फिर प्लेटफॉर्म पे। अगर तुम अब 36 का बोलोगे ट्रेन इस प्लेटफॉर्म से 36 पे चली है, तो भाई वो तो फिर उनके साथ ही गलत हो गया ना। तो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं पहले तो उस स्टेशन पे और फिर देखते हैं। तो यहाँ से तो बस अब निकल ही गए भाई पूरी तरह, और 37 हो चुके हैं यार, आज तो गंदे वाले लेट होंगे सच में। अब हम तो भाई अब किसी भी तरह पहुंचना है यार, और ये पता नहीं इस वाली जगह पे ट्रेन इतनी कम क्यों चल रही है, 4th गियर जो मैक्सिमम गियर है उस पर डाल के चला रहा हूँ, फिर भी 54 की स्पीड 55 की स्पीड बस खींच रही है ट्रेन, इतनी धीरे पता नहीं क्यों चल रही है। तो ये DC वाले पावर पे जो स्विच करा है ना उस पर, उसकी वजह से हो रहा है ऐसे। तो भाई फिर मैं उस पर स्विच कर लूँ फिर, पर ये उस मैंने उस पर भी अभी ट्राई करा था बीच में, तो उस पर वो चल ही नहीं रही फिर ट्रेन यार, ये अलग बस यही ना यही परेशानी है ये DC का, और ये जो DC और AC जो था ना उसका ही बस चक्कर पड़ रहा है। जो AC वाला था उस पर तो सही चल रही थी ट्रेन, पर ये DC वाले पे नहीं चल रही सही, इस पर बस 65 की। भाई ऐसे तो इतना लेट हो जाएंगे हम, पता ही नहीं चलेगा। वैसे तो अब 0.7 माइल्स ही रह गए, दूर ज़्यादा है नहीं, पर ठीक है तब भी हम स्पीड अब थोड़ा सा मैं कम करना, मैंने 0 पे कर दिया उसको गियर को। अब मैं अभी जब
इसमें यार्ड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तब मैं इसकी स्पीड धीरे धीरे कम करूँगा। तो अब आना स्टार्ट तो हो गए पर अभी नहीं, क्योंकि अभी बहुत दूर है, अभी 700 यार्ड्स दूर है, तो इसलिए अभी थोड़ी देर रुक जाते हैं। अब मैं थोड़ी थोड़ी कम करना स्टार्ट करता हूँ, तो स्टार्ट करते हैं कम करना, क्योंकि 500 यार्ड ही दूर रह गया है। और ये डीरेल भी हो सकती है क्योंकि 64 और उस पर चल रही है, तो मैंने 10 गियर पे लगा दिया और बिल्कुल स्टेशन सामने आ गया। मुझे लग रहा है मैं क्रॉस कर जाऊँगा, इमरजेंसी ब्रेक तो लगानी पड़ेगी क्या? अरे नहीं 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 नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं रुकी नहीं रुकी, गई आगे गई ट्रेन, आगे चली जाएगी आगे चली जाएगी, हाँ चली गई आगे, अरे आगे गई, 20 की स्पीड पे थी यार, रुक सकती थी। पर आई थिंक सो स्टेशन पे कुछ डब्बे तो होंगे अभी ट्रेन के, तो इसलिए मुझे कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ब्रेक लगा के रखता हूँ और अनलॉक कर दे रहा हूँ डोर्स, क्योंकि अभी हम इतने कोई आगे आए नहीं, थोड़ा सा ही आगे आए हैं स्टेशन से, तो ठीक है। पर अब इस साइड वाले दरवाजे खोलने, तो इस साइड के दरवाजे मैं खोल देता हूँ और यहाँ से लॉक हो जाएंगे, तो मैं वही देख के आता हूँ कि कितने मींस डब्बे आए। ये भी तो नहीं आया, अगले वाला भी नहीं आएगा, उससे अगले वाला भी नहीं होगा आई थिंक सो, क्योंकि उसके अगले वाला आई थिंक सो हो जाएगा ये वाला। हाँ ये वाला डब्बा, ये जो आएगा ना आगे, ये होएगा स्टेशन पे अच्छी तरह, तो ठीक है, इतना कोई वो तो नहीं। अरे यार दरवाज़ा, मैं 2 सेकंड बस लेट हो गया। चलो जल्दी 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 चलते हैं और अनलॉक कर मीन्स लॉक करते हैं डोर्स, तो क्योंकि वो ट्रेन स्टार्ट हो गई है। चलो चलो बैठ 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 क्यों नहीं रहा, बैठ जाना। हाँ चलो जल्दी से ट्रेन स्टार्ट करते हैं अपनी वापस, और लॉक कर दिए डोर्स, और इसको मैं कर देता हूँ आगे 0 पे, पहले मैंने कर दिया। जैसे ही डोर लॉक होंगे फिर हम ट्रेन स्टार्ट कर सकते, तो अब मैंने स्पीड बढ़ा दी है। तो अब हमें आई थिंक सो लास्ट स्टेशन होगा ये हमारा, जो कि 6.5 माइल दूर है, तो वहाँ पे हमें 47 तक पहुँचना है, तो सिर्फ हमारे पास 7 मिनट है, किसी भी तरह हमें पहुँचना है 7 मिनट में। तो अब मैं सिनेमेटिक शॉर्ट शॉर्ट से आपको दिखाता हूँ ट्रेन के, जो कि जगह क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ की जो भी ये जगह है ना, तो क्योंकि ये थोड़ी सी मीन्स रिलैक्सिंग जगह है, यहाँ पे सिर्फ हर जगह पेड़ वेड़ हैं और बीच में से एक ट्रेन जा रही है, ऊपर फ्लाईओवर है, तो बहुत ज़्यादा मीन्स अच्छा लग रहा है देख के। तो एक बार मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ, तो ये देखो ये हमारी ट्रेन है, ये कितना बढ़िया लग रहा है कि ऐसे ट्रेन आ रही है सामने से, और ऐसे ऊपर हमने ऊपर से देख रहे हैं, हम भी ट्रेन को वैसे भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक बार ये वाली जो गेम है मस्ट प्ले गेम है, मैं सच कह रहा हूँ, एक बार आपको खेलनी चाहिए ट्रेन सिम वर्ल्ड 3 या वर्ल्ड 2, कोई भी इनमें से खेल लो, बहुत बढ़िया गेम है। मैं तो अभी वर्ल्ड 3 खेल रहा हूँ, क्योंकि इसमें डिटेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है एज़ पर वर्ल्ड 2। तो प्लीज़ एक बार सारे खेलना ही खेलना, क्योंकि बहुत बढ़िया गेम है इसका, मीन्स वो ही बहुत अलग है एक तरह से सारी चीज़ें। देखो जैसे कि ये बिल्कुल इसमें एक एक चीज़ की डिटेल दी हुई, और हर एक चीज़ चलती है यहाँ पे, हर एक चीज़। वाइपर वाइपर भी चलते, पर अभी तो बारिश हो नहीं रही थी इसलिए मैंने वाइपर नहीं चलाया, तो इसलिए वो मीन्स बहुत ज़्यादा ना एक रिलैक्सिंग चीज़ देती है। तो 6 मिनट रह गए हमारे पास, तो जल्दी से पहुँचाते हैं ट्रेन को, बस 5.5 माइल दूर ही रह गई है, ज़्यादा कोई दूर है नहीं, तो देखते कितनी देर में पहुँच पाती है, हम टाइम पे पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते, और अगर पहुँच भी पाते हैं तो देखेंगे, वो तो जैसे स्टेशन पर पहुँचेंगे वो तो तभी पता चलेगा हमें। तो अभी तो सीधा ही जा रही है ट्रेन, और अब हम बस स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं, बस 2 माइल्स दूर रह गई है, तो देखते कि बस अब मैं स्पीड अभी तो नहीं कम कर रहा, जब अभी ए पूरी 2 माइल्स रह जाएंगी। और अगर आप ये वाला स्टेशन सोचो कि इस स्टेशन पे मैंने क्यों नहीं रोकी, क्योंकि इस स्टेशन पे अभी मुझे कमांड नहीं था रोकने का, तो इसलिए मैंने नहीं रोकी, इसलिए वो मत करना कि मैंने स्टेशन मिस कर दिया या कुछ, ये स्टेशन में मुझे कमांड नहीं थी रोकने की, इसलिए मैंने नहीं रोका। तो ठीक है, अभी तो हम आगे चलते हैं, सिर्फ 2 माइल दूर रह गई है, थोड़ा सा और हमें, और हम आई थिंक सो टाइम पे पहुंच जाएंगे, टाइम ही टाइम से पहले ही आई थिंक सो पहुंच जाएंगे, क्योंकि 43 हो गए हैं, बस 4 मिनट हैं, और हमें 1.9 माइल्स कवर करनी है, तो आई थिंक सो हम पहुंच तो सकते हैं अगर हम इसी स्पीड पर चलते रहे 91 की स्पीड पर। तो ठीक है, देखते हैं कि वो पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते, बस ये टनल आई थिंक सो क्रॉस करनी, ये और उसकी ये जो आगे वाली टनल आ रही है ना, इसको क्रॉस करना है, जो कि छोटी सी लग रही है मुझे, क्योंकि आगे मुझे उसकी ओपनिंग भी दिख रही है, तो इसलिए बस उसको क्रॉस करके फिर हम आई थिंक सो निकल जाएंगे बाहर यहाँ से। तो ठीक है, वो सही है वैसे तो, निकल जाएंगे बाहर तो बढ़िया ही है वो तो वैसे। तो देखते हैं कितनी देर में पहुँच पाते हैं हम उस साइड। ओके
ओके तो मैं स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ गाइस, और मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी है। 40 की स्पीड्स पे चल रही है हमारी ट्रेन। आई थिंक सो रुक ही जाएगी, बहुत आराम से रुक जाएगी, बहुत बड़ा स्टेशन है वाला। ओके तो ट्रेन इज गेटिंग स्टॉप्ड। ओके तो रुक गई है ट्रेन और ये रुक गई, तो चलो अब सही है, हमारा रुक गया और मैं 45 पे पहुंच गया। वो बहुत अच्छी बात है कि मैं 2 मिनट पहले पहुंच गया, बल्कि मैं जो बाकी स्टेशन था उस पर 3-3, 4-4 मिनट लेट पहुंच रहा था, पर इस वाले स्टेशन में मैं 2 मिनट पहले पहुंच गया। मैंने ट्रेन इतनी तेज भगाई कि मैं पहुंच ही गया। तो मैं पहले DCA अलार्म ऑफ करूँ किसी तरह। ओके तो बस आइए, अब क्यों बज रही है? ओके तो ये वाला अब करते हैं बंद, हो जा बंद अब तो। हाँ हो गया, अब इसको मैं न्यूट्रल पे कर देता हूँ, क्योंकि अभी तो आई थिंक सो यही हमारा लास्ट स्टॉप है। यहाँ पे अभी तो लिखा है वेट अंटिल 747 मीन्स 547, क्योंकि अगली शिफ्ट जो है अब वो 547 पे है। तो अभी हमें 547 और 30 सेकंड्स तक रुकना पड़ेगा इसी ट्रेन में, फिर हम इस ट्रेन को बंद करके जाएंगे और जो दूसरा ड्राइवर है वो तब आएगा और फिर वो उस ट्रेन को चलाएगा, क्योंकि हमने 3 से 4 ये कवर कर लिया। तो ये एक सामने ट्रेन आ रही है, तो इसको हॉर्न मार के थोड़ा सा वो कर देते हैं। तो ये किस लिए बज रहा है? अच्छा ये पीछे जा रही है थोड़ी सी ट्रेन, इसको मैं ब्रेक में लगा देता हूँ इस पर, ताकि ट्रेन और पीछे ना जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे स्लोपी वो जगह है, तो इसलिए वो पीछे जाती जा रही है ट्रेन बार बार। तो 46-41 सेकेंड्स हो गए हैं, तो अब मैं ट्रेन को बंद करना आई थिंक स्टार्ट करता हूँ, और जैसे ही 47 हो जाएंगे फिर मैं इमरजेंसी ब्रेक मैंने पता नहीं क्यों प्रेस करी है। ओके तो बंद हो चुकी है आवाज़, अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ रिवर्सर को, पहले न्यूट्रल पे करते हैं। और हो गया न्यूट्रल पे, अभी DC को 2 मिनट प्रेस करके रखता हूँ और फिर मैं बंद कर दूँगा ट्रेन को। तो इसको दबा दिया, इसको दबा दिया, अब आई थिंक सो मैं ऑफ़ करने के लिए तैयार हूँ पूरी ट्रेन। इसको मैं ऑफ़ कर दे रहा हूँ, ट्रेन ब्रेक पावर मीन्स इसको मिनिमम ब्रेक पे लगा के रखते हैं और देखते हैं अभी आगे क्या कमांड आता है। हमें पता नहीं, क्या पता हमें आगे अभी स्टेशन पे जाने की हो गई कि क्या पता हम आगे जा पाएँ, तो वो तो बाद में पता चलेगा। तो मैं डोर क्लोज कर देता हूँ पहले, तो डोर क्लोज हो गए हैं सारे और चलते हैं अब। 47 बस होने वाले हैं, बस 1 सेकेंड रह गया। हाँ तो अब हमें शायद से यही करना है, हाँ हमें ट्रेन अब बंद करनी है, शट डाउन द ट्रेन। तो इसको बंद कर दिया, सेट द DC पावर और इसको मैक्सिमम ब्रेक पे रखना है। ट्रेन को पहले कर देते मैक्सिमम, हाँ बस ये हुई क्यों नहीं, रुको अब हो जाएगी आई थिंक, 2 मिनट लगेंगे इसको आई थिंक। अब इमरजेंसी 92, इमरजेंसी नहीं हो रहा, हाँ ये क्यों नहीं हो रहा है? इस पर सेट द हैंड पावर हैंडल कर तो दिया मैंने, इसको भी ऑफ कर देता हूँ, रुक जाओ पहले, अभी पहले इसको देखते हैं। पहले फॉरवर्ड पे करके मैक्स ब्रेक पे मैं करता हूँ और इसको ऐसे, अब इसको धीरे धीरे हम आगे लेके जाते, धीरे धीरे लेके जाएंगे। और ये मैक्सिमम ब्रेक हो गया, हाँ अब हम इसको ऑफ पे रिवर्सर को करना है, तो रिवर्सर को हम ऑफ पे कर देते हैं, ऑफ हो गया। अब मास्टर की को ऑफ करते हैं और अब हम इस ट्रेन को छोड़ने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको एक लाइक देना, और मैं इसके और गेम प्लेस जल्दी लाऊंगा अलग अलग ट्रेन्स के साथ, तो फिर देखेंगे कि ये वाला आपको कैसा लगा गेम प्ले। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत तो अच्छी लगी होगी तभी आप यहीं तक देख रहे हो गेम प्ले। तो आज के लिए फिर बस इतना ही रखते हैं, और ये ट्रेन बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मैं और ट्रेन के साथ ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तक तो बी हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।